प्रभु यीशु का प्यार एवं शांति आप सबों के दिल में सदा बने रहे। आइए आज हम लोग नबी एज़ेकियेल के ग्रंथ में एक स्पिरिचुअल सर्जरी के बारे में यानी आध्यात्मिक शस्त्र क्रिया के बारे में लिखा है। देखते हैं वो क्या है। अध्याय 36 वाक्य 25 से लेकर कहते हैं, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। देखिए शस्त्र क्रिया या सर्जरी के द्वारा एक्सैक्टली क्या है, क्या होता है। किडनी सर्जरी या सर्जरी हृदय की सर्जरी या कुछ भी सर्जरी में क्या होता है, सबसे पहले दवा देकर व्यक्ति को बेहोश करते हैं, उसके बाद चीर फाड़ करते हैं, उसके बाद जो भी जरूरत नहीं है शरीर में वो सब कुछ निकाल देते हैं, उसके बाद जो जरूरत है उसको रख कर फिर से उसको बैंडेज किया जाता है। वैसे यहां पर भी प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़क दूंगा। ये एक बेहोश करने की तरीका है जो हम कहते हैं एनेस्थेसिया देकर बेहोश कर देते हैं। तो यहां पर भी जब पवित्र आत्मा, जो पवित्र जल, जो पवित्र आत्मा है, जब हम पर छिड़केंगे तो हम बेहोश हुआ जैसे होता है। और प्रभु फिर क्या करने जा रहे हैं, प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। हम अपने जीवन में बहुत तरह का देव मूर्तियों की आराधना करने वाले हैं। आप सोचेंगे और पूछेंगे, हम तो क्रिश्चियन है, ईसाई है, हम क्या देव मूर्ति का पूजा करते हैं। सबसे पहले ईश्वर का 10 आज्ञाओं का पहला आज्ञा क्या है हम देखना है। उसमें प्रभु कहते हैं, मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर, तुम मेरी आराधना करना है, मुझे छोड़ और किसी की नहीं। शायद हम मंदिरों में या मस्जिदों में जाकर वहां पर आराधना नहीं करते, लेकिन बात यह है कि प्रभु को जो स्थान देना है उससे वो प्रभु को देने के बदले हम किसको स्थान देते हैं, मनुष्य को देता है या वस्तुओं को देता है। अगर हम ईश्वर को जो स्थान देना है उसके अलावा, उसके बदले हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को अगर हम स्थान देते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो ये तो एक देव मूर्ति का जैसे हो जाता है। कभी कभार हम खुद को आराधना करते हैं, खुद की आराधना करते हैं, खुद की टैलेंट की आराधना करते हैं, खुद की सुंदरता की आराधना करते हैं। हम बस अपने को आराधना करते खुद एक देव मूर्ति बन जाते हैं, या हम में जो भी गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, अगर हम उस पर ध्यान देते रहते हैं तो ये भी एक देव मूर्ति के समान होता है। आज हम इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे इस तरह बातें करते हैं, यदि तुझ में कोई भी देव मूर्ति है, इस प्रकार की देव मूर्ति है, तो उस देव मूर्ति को मैं तुझ में से निकाल कर तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। ये प्रभु का वचन है। जो प्रभु का वचन है वो सत्य है, क्योंकि यीशु हमसे कहते हैं, मैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई प्रभु के पास नहीं जाता, पिता के पास नहीं जाता। तो इसलिए बाइबल में, प्रभु का वचन में जो भी लिखा हुआ है वो सत्य है और ये प्रभु की प्रॉमिस है।
कि जो भी मुझ में अपवित्रता है, जो भी तुझ में देव मूर्ति है, वो सब कुछ प्रभु हटाकर हमें शुद्ध करेंगे। हम सचमुच में थोड़ा सा सोच ले, मुझ में क्या है इस तरह की देव मूर्ति जो मुझे अपवित्र करते हैं। अगर इस तरह का देव मूर्ति है, सचमुच हम प्रभु के समक्ष रखना है, प्रभु से कहना है, प्रभु ये है मेरा देव मूर्ति, और प्रभु इस देव मूर्ति को हटाने के लिए भी तैयार है। और प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम्हें एक नया आत्मा रख दूंगा। कितना प्यारा है हमारा प्रभु। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा। कितने लोग आजकल हार्ट प्रॉब्लम से चलते हैं, बहुत कोई आजकल हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है हृदय के कारण, और प्रभु आज कहते हैं, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। तुम्हारा हृदय में आज तकलीफ है, हृदय में बीमारी है, तुझमें बहुत तनाव है, आज प्रभु आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, और प्रभु कहते हैं एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। अब हम सोचते हैं ये पत्थर सा हृदय क्या है, मनुष्य का शरीर में कोई पत्थर का हृदय हो सकता है? भाई और बहनों, हम थोड़ा सोचेंगे ये पत्थर का विशेषता क्या है। पत्थर में पानी गिरे, पानी बरसाए या आग बरसाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी लोगों को दर्द देकर हमारा हृदय पिघलता नहीं है, दूसरों को आंसू देकर हम पत्थर ही पत्थर रह जाते हैं। इतना ही हम जांच करने के लिए है, अगर आपका पत्थर से हृदय है तो आपका दिल पिघलता नहीं है। दूसरों को दर्द देखने में पिघलने वाला पत्थर से हृदय नहीं है। जब हम में पवित्र आत्मा आ जाएंगे, पत्थर सा हृदय प्रभु निकाल देगा, और मोम की तरह पिघलने वाला रक्त मांस का हृदय प्रभु हमें देगा। दूसरों के दर्द में हाथ मिलाने वाला या उन्हें सेवा करने वाला एक हृदय हमें मिल जाएगा। नबी जोएल के द्वारा प्रभु कहते हैं, मैं सब शरीर धारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। हां, सब शरीरधारियों पर, जो भी आज मुझे सुनते हैं, तुम पर भी प्रभु अपना आत्मा उतारूंगा। दिल खोल के प्रभु के समक्ष बैठो और अनुभव करो जो सच्चा ईश्वर, सच्चा आत्मा को स्वीकारने के लिए प्यासा हो। प्रभु अपना आत्मा तुझ पर उतारेगा, और प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे, जो हमारा मदद देने वाला है, जिसको प्रभु यीशु कहते हैं, मैं एक सहायक को तुम पर भेजूंगा, तुम्हारे लिए भेजूंगा, जब वो सहायक आएगा तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा। हां, और वही पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे किस प्रकार प्रभु की आज्ञाओं को पालन करना है। फिर से मैं संत योहन का अध्याय में, वही अध्याय 15 हम जाते हैं। प्रभु कहते हैं, अगर तुम मुझे प्यार करते हैं, तुम मेरी आज्ञाओं को पालन करेगा। अगर तुम आज्ञाओं का पालन करेगा तो मैं तुझ में, तुम मुझ में रहेगा, और तुम बहुत फल उत्पन्न कर सकेगा। आइए आज हम अपने को प्रभु के हाथों में दे,
प्रभु हमारे जीवन में, तेरे जीवन में, मेरे जीवन में वही स्पिरिचुअल सर्जरी करे ताकि हम एक नया व्यक्ति बन जाए। प्रभु हमारे जीवन को बदल दे, हम अपना जीवन प्रभु के साथ व्यतीत करने के लिए कोशिश करें। प्रभु की आत्मा तुम्हें और मुझे शक्ति प्रदान करें।